सो हाय एवरीवन दिस इज गौरव बैनर्जी एंड यू आर वाचिंग कॉलेज वाला तो आप अगर वेबसी कैंडिडेट हो या फिर आप अगर जिले कैंडिडेट हो तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप टेन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था टॉप टेन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल के बारे में और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले टॉप टेन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल तो आज की इस वीडियो के बाद आप अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज को पहले रखना चाहिए और कौन सा कॉलेज को बाद में रखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हर एक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर हर एक कॉलेज का प्लेसमेंट एंड एवरेज पैकेज एंड कौन सा कॉलेज में आपको कौन कौन सा ब्रांच मिलेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक पूरा देखना है और ने अगर, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए और तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं तो एक नंबर पर आ जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी इसका कारण है इसका प्लेसमेंट इसका एवरेज पैकेज जाता है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस का एवरेज पैकेज से तीन गुना ज्यादा है उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इस कॉलेज में आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का फीस रहता है फिफ्टीन थाउजेंड पर सेमेस्टर के हिसाब से उसके बाद बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए आपका फीस रहता है सिक्सटी फाइव रुपीज पर सेमेस्टर और आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फाइव पेमेंट करना रहता है और दो साल कंप्लीट होने के बाद फिर से फाइव पेमेंट करना रहता है उसके बाद आपको सिक्सटी फाइव पर सेमिस्टर के हिसाब से पेमेंट करना रहता है सेमिस्टर के लिए और अगर कोर्सेज की बात करें तो इस कॉलेज में आपको बहुत सारा ब्रांचेस मिल जाएगा जैसे कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेटालॉजिकल एंड मेटेरियल इंजीनियरिंग उसके बाद फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग तो ये सारे कोर्सेस आपको जदलपुर यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा उसके बाद दो नंबर पे आ जाता है कल्याण गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो मेकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यह दोनों कोर्सेस के लिए आपकी फीस जाता है फोर पर सेमिस्टर के हिसाब से एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये दोनों कोर्सेस के लिए आपका फीस जाता है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड पर सेमिस्टर के हिसाब से एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका फीस जाता है थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड पर सेमिस्टर के हिसाब से उसके बाद अगर कोर्सेज की बात किया जाए तो इस कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये सारे कोर्सेस मिल जाएगा और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो के का प्लेसमेंट एवरेज पैकेज रहता है फोर पॉइंट फाइव से फाइव एलपीए के बीच में उसके बाद तीन नंबर पे आ जाता है जेजीईसी जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो इस कॉलेज में आपको टोटल छह ब्रांच मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये तीनों ब्रांचेस के लिए आपका फीस रहेगा थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पर सेमिस्टर के हिसाब से उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये दोनों ब्रांचेस के लिए आपका फीस रहने वाला है सिक्स पर सेमिस्टर के हिसाब से एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका फीस रहेगा ट्वेल पर सेमिस्टर के हिसाब से और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो पिछले साल इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज किया था 63 एलपीए एंड इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है ऑन एंड एवरेज 5 से 6 एलपीए के बीच में उसके बाद चार नंबर पे आ जाता है जीसीएलटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी तो इस कॉलेज पर आपको सिर्फ तीन ही ब्रांच मिलने वाले लेदर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके बाद अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो लेदर टेक्नोलॉजी के लिए इस कॉलेज में फीस रहता है थ्री थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका फीस जाएगा सिक्स थाउजेंड पर सेमिस्टर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका फीस जाने वाले ट्वेल्व थाउजेंड पर सेमिस्टर उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है फोर पॉइंट फाइव एलबीए के आसपास एंड एक्सीडेंटली ये चार नंबर वाला कॉलेज मेरा भी कॉलेज है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कॉलेज ठीक ठाक है उसके बाद पांच नंबर पे आ जाता है जीसी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरामिक टेक्नोलॉजी तो इस कॉलेज पे भी आपको सिर्फ तीन ही ब्रांच मिलेगा सेरामिक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सिरामिक टेक्नोलॉजी के लिए इस कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर रहता है फोर थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका फीस रहने वाला है सेवन थाउजेंड पर सेमिस्टर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका फीस रहने वाला है थर्टीन थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है फोर पॉइंट फाइव एलबीए के आसपास उसके बाद छह नंबर पे आ जाता है माकाआउट ऑन कैंपस मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका लोकेशन है होरिन घाटा तो इस कॉलेज में आपको सिर्फ दो ही ब्रांच मिलने वाला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आपको इवन सेमिस्टर पे मतलब सेकंड फोर्थ सिक्स एंड एथ सेमिस्टर पे आपको फीस भरना होगा ट्वेंटी थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से एंड और सेमिस्टर पे मतलब फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमिस्टर एंड सेवेंथ सेमिस्टर पे आपका फीस फीसने वाला है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इसका एवरेज पैकेज जाता है फोर एलपीए के आसपास उसके बाद नंबर सात पे आ जाता है आलिया यूनिवर्सिटी तो इस कॉलेज पे भी आपको टोटल फाइव ब्रांचेस मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इस कॉलेज पे भी आपका फीस स्ट्रक्चर वार्ड सेमिस्टर एंड इवेंट सेमिस्टर के हिसाब से ही रहता है आपको हर एक वार्ड सेमिस्टर में पेमेंट करना होगा सिक्स थाउजेंड वन एंड हर एक इवेंट सेमिस्टर पे आपको पेमेंट करना होगा फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी रुपीज पर सेमिस्टर के हिसाब से और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है फोर एलपीए के आसपास उसके बाद नंबर आठ पे आ जाता है जीसी टी, टी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी श्रीमपुर तो इस कॉलेज पर आपको टोटल तो चार ब्रांच मिल जाएगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अपारेल प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए आपका फीस जाता है थ्री थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अपारेल प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट ये दोनों ब्रांचेस के लिए आपका फीस जाता है सिक्स थाउजेंड पर सेमेस्टर के हिसाब से एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपका फीस जाता है ट्वेल्व थाउजेंड पर सेमेस्टर के हिसाब से उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात, बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है थ्री एलपीए के आसपास उसके बाद नौ नंबर पर आ जाता है रामकृष्ण महा तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो इस कॉलेज में आपको टोटल तो फाइव ब्रांचेस मिल जाएगा मेकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये दोनों ब्रांचेस के लिए आपका फीस जाता है सिक्स थाउजेंड पर सेमेस्टर के हिसाब से एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग ये तीनों ब्रांचेस के लिए आपका फीस जाता है थ्री थाउजेंड पर सेमेस्टर के हिसाब से उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जाता है थ्री एलपीए के आसपास उसके बाद नंबर टेन पे आ जाता है जीसीटीटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बैरमपुर तो इस कॉलेज पे आपको टोटल तो चार ब्रांच मिल जाएगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो अगर फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये तीनों ब्रांचेस के लिए आपका फीस जाता है थ्री थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका फीस जाता है सिक्स थाउजेंड पर सेमिस्टर के हिसाब से और अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज आता है के आसपास तो ये ये था वेस्ट बंगाल का टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर एंड कैंडिडेट्स मैंने ये लिस्ट तैयार है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट तो आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हो और ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल से आपको ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेगा तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट्स के साथ तब तक के लिए बाय बाय